subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. YouTube चैनल विनश टेक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो R134A का जो फ्री ऑन होता है उसकी फैन साइकिलिंग स्विच कैसे काम करती है और उसके फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके कंडेंसर यूनिट में आपके डिस्चार्ज लाइन में या लिक्विड लाइन में लगा होता है और ये कितने PSI पे क्लोज होता है और कितने PSI पे ओपन होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो 134A का जो फैन साइकिलिंग स्विच है ये आपको 130 प्लस माइनस 5 PSI पे ओपन होता है और 160 प्लस माइनस 10 PSI पे ये क्लोज होता है। और ये ओपन और क्लोज कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज होगा बढ़ेगा जैसे कि 160 प्लस माइनस 10 PSI पे जाएगा तो ये जो आपका फैन साइकिलिंग स्विच है ये आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होगा तो आपका जो पावर इन हो रहा है वो आउट होने लगेगा और जैसे ही पावर आउट होगा आपका जो कंडेंसर फैन लगा हुआ उसके कॉन्ट्रेक्टर को पावर जाएगा और वो एनर्जाइज हो जाएगा। और जैसे आपका कंडेंसर का फैन का कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होगा आपका कंडेंसर फैन रन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम बात कर लें इसके ओपन मोड की तो जैसे ही आपके सिस्टम का प्रेशर कम होगा यानी कि 130 प्लस माइनस 5 PSI से ये ब्लो होगा तो आपका जो है वो कॉन्ट्रेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा और आपका जो फैन साइकिलिंग स्विच है ये ओपन मोड में चला जाएगा जिसकी वजह से आपका कंडेंसर ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके इंटरनली कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं वो आपको एक डायग्राम की मदद से बता देता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक डायग्राम पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 134A का फैन साइकिलिंग स्विच का इंटरनल डायग्राम है। यहाँ पे आपको दो मोड देखने को मिल जाएगा ओपन मोड और क्लोज मोड। ये सेम टू सेम आपको HP स्विच या LP स्विच की तरह में शक्ल मिलेगा लेकिन ये डिफरेंट प्रेशर पे क्लोज और ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ओपन मोड में यहाँ पे 130 प्लस माइनस 5 PSI पे ये ओपन हो जाएगा जिससे कि जो पावर इन हो रहा है वो पावर आउट नहीं होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्लोज मोड यहाँ पे 160 प्लस माइनस 10 PSI जैसे आपके रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है 134A का प्रेशर जो है 160 प्लस माइनस 10 PSI पे जाएगा ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होगा तो आपका जो पावर यहाँ से वायर वन से इन हो रहा है वायर टू से आउट होने लगेगा और जिसके वजह से आपका जो कंडेंसर फैन मोटर का जो कॉन्ट्रेक्टर है वो एनर्जाइज हो जाएगा और उसके बाद से आपका कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज होने के बाद जो है आपका कंडेंसर फैन मोटर रन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम देख के सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी आपके मन में डाउट होगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।